ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी कि हमेशा हमको अपने से ऊंचा दिखता था। हम थे छोटे बच्चे, लेकिन बाबा हमको कहता था कि तुम एक एक बच्चा मेरा जो है वो विश्व कल्याणकारी। तो हम छोटे होने के कारण समझते थे कि विश्व कल्याणकारी कैसे होंगे, हमको पता ही नहीं है विश्व क्या है। लेकिन बाबा शुरू से हम बच्चों में वो एक बहुत बड़ी जैसे उम्मीदें रखता था, और वो जो बाबा का संकल्प था उस संकल्प ने हमको भी शक्ति रूप बनाया। अब बाबा की विशेषता ये थी कि कभी भी किसी के प्रति, समझो हम बच्चे हैं तो वैरायटी तो थे ही, लेकिन बाबा उनकी बुराई न देख करके अच्छाई की तरफ खुद करके दिखाता था। और हम लोग बच्चों में भी वो संस्कार बढ़ता था कि कमी न देख करके विशेषता दे। और बाबा की यही ट्रेनिंग बहुत एक वंडरफुल थी कि कभी भी बाबा कहता था कि तुम ये नहीं बोलो कि मुझे ये आता नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। बाबा कहता था देखो तुम बच्चे जब ज्ञान में आए तो तुम ज्ञान को जानते थे, सीखे तो हो गए ना होशियार। इसी रीति से कोई भी काम हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन मेरे को नहीं आता है या नहीं शब्द जो है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, ये कमजोरी के शब्द जो है वो बाबा को बिल्कुल ही खराब लगता था। तो ना शब्द हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए, ये बाबा ने हमको बहुत विशेषता सिखाई। और उसी विशेषता के आधार पर हम कहाँ भी कोई भी काम करते थे तो हमको ना नहीं करना है लेकिन सीखना है और सीख करके करना है। तो इसीलिए कोई भी बात यज्ञ में आई, लेकिन हमको शक्ति जो बाबा ने दी, हाँ मैं कर सकती हूँ मैं शक्ति हूँ, उससे क्या हुआ जो कोई भी परिस्थिति हमको बड़ी नहीं लगती थी और सहज लगती थी, खेल लगता था। और बाबा की विशेषता ये थी कि सबके प्रति जो है वो रहम दिल, चाहे बाबा ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने पास्ट जीवन में कभी किसी गाली नहीं खाई, इंसल्ट नहीं देखी, लेकिन सभी बाबा यानी ब्रह्मा बाबा की पहली लाइफ जो थी, सभी बाबा से राय लेने के लिए बड़ा बुद्धिवान समझ करके रिगार्ड देते थे। लेकिन ज्ञान में परमात्मा की प्रवेशता के बाद बाबा के ही संबंधी बाबा की इंसल्ट करते थे, गाली देते थे, लेकिन हमने देखा कि बाबा को कभी भी गाली गाली नहीं लगती थी। बाबा कहता था बच्ची ये अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी के ऊपर वश है, इसलिए उनके ऊपर रहम करो, ईर्ष्या नहीं करो, घृणा नहीं करो। ज्ञान में घृणा शब्द होता नहीं है। तो हमने देखा बाबा ने गालियां भी ऐसे सहन किए, ऐसे सुनी जैसे कि महिमा सुने। एक रस स्थिति जो है निंदा स्थिति में समान, वो हमने देखा। बाबा हमको ऑलराउंड बनाने चाहते थे, इसीलिए बाबा ने हम लोगों को शुरू से सब काम सिखाया, यानी बगीचे में काम करना वो भी सिखाया, और नौकर सब कुछ करे, हम शहजादियों माफिक चले वो भी अनुभव कराया। लेकिन बाबा सब कुछ सिखाने के बाद भी ऐसे लगता था जैसे एकदम न्यारा और प्यारा। तो हम घूमने भी जाते थे तो बाबा हम लोगों को
पक्का कराने के लिए समझो हम चल रहे हैं आगे और बाबा पीछे चल रहा है। तो बाबा बीच बीच में क्या करता था कि खुद जल्दी चल करके आगे हो जाता था, आगे जाके ठहर जाता था, तो हम सब पीछे हो जाते थे और बाबा खड़ा हो गया तो हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। और बाबा फिर दृष्टि देख करके और पूछते थे, बच्ची अभी जो आप सैर कर रही हो तो अपनी बातों में थे या आत्म अभिमानी होकर के चल रहे थे? तो समझो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, बातों में आ गए, तो बातों में नहीं आते थे, अटेंशन खींचते थे कि बाबा ने पूछा है, तो फिर जैसे रिफ्रेश हो जाते थे। और चलते हुए भी आत्म अभिमानी का अभ्यास जो है वो पक्का हो जाता।